नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जाने में उनका फायदा है, चार हियरिंग में बात साफ हो जाएगी एंड शी विल नो व्हाट शी जेन्युइनली डिजर्व्स एंड व्हाट शी शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कंपनी। देखिए, आई डोंट थिंक वी शुड कम टू एनी कंक्लूजन। ओके, यहां मिलने का मतलब ये है कि हम इसे सफलता के मार्ग को Hello, Mr. Kashyap. Nice meeting you. Sir, photographs, please.
करना सके। भाई साहब के हाथ में दो। मैडम आप फटाफट ऊपर जा जाइए। अरे तुम मेरी टेंशन मत लो, सामान अंदर करो, जल्दी ये लो। मैडम आपसे पहले ही कह रहा हूँ, दूसरों को लिखा सामान। अरे फ्रेम देखो, बाबा जी का फ्रेम है। अरे और भी सामान है क्या? जितना भी सामान है आने दो, नो टेंशन। ये लो। अरे ये बहुत रिस्की है। अरे मैडम आप प्लीज सामने देखिए। देख रही हूँ, आप जल्दी से सामान लीजिए। हो गई, लाइन क्रॉस हो ही गई थी आज तो। पता है क्या, आज तक लाइफ में एक ट्रेन नहीं छूटी मेरी। थैंक यू बाबा जी, मेरा रिकॉर्ड टूटने से बचा लिया। अंदर आ गई हूँ मैं, अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। मुझे ना नॉन एसी में चलना बेटर लगता है, मगर मेरी फैमिली है ना कहते हैं तुम लड़की हो, जैसे मुझे नहीं पता कि मैं लड़की हूँ। भाई साहब ये एवन है ना? हाँ। थैंक यू। अब एसी से लड़की का क्या कनेक्शन है, ये मेरे पले नहीं पड़ता। आई मीन कोई पहली बारी अकेली थोड़ी ट्रैवल कर रही हूँ मैं, मौसम इस ट्रेन में, ये तो समझ लो मेरा सेकंड होम है जी। 17, 18, हाँ यहाँ है। टिकट दिखाना प्लीज। हेलो, आपसे बात कर रही हूँ। ये सीट मेरी है, 23। कमाल है। ओ बॉस, ये पैसेज वाली सीट जो है ना कोई नहीं लेना चाहता, मगर मैं इंसिस्ट करती हूँ कि भैया मुझे पैसेज वाली सीट ही दो। रिजर्वेशन वाले अंकल बड़े हैरान परेशान से हो जाते हैं, मगर मेरा फंडा ये है कि मेरा सफर है ना इस ट्रेन के साथ खत्म नहीं होता। आगे जाना है मुझे भटिंडा, वहाँ घर है मेरा, फैमिली है, सबकी फैमिली होती है, मेरी भी है। सब कहते हैं मुंबई बड़ा क्राउडेड है। अरे क्राउडेड मतलब क्या, क्राउड हम जैसे लोगों से तो बनता है, खुद भीड़ का हिस्सा है और तकलीफ भी खुद ही को है। मैं तो जा रही हूँ मुंबई छोड़ के हमेशा के लिए। आई थी पता है कब, जब मुंबई बॉम्बे था, हॉस्टल हॉस्टल हॉस्टल, सेंट टीरेज़ा बोर्डिंग स्कूल हॉस्टल इन शिमला, मिशनरी हॉस्टल फॉर कॉलेज गर्ल्स इन बॉम्बे सेंट्रल। मुझे कसम है आज के बाद मैं कभी हॉस्टल में नहीं रहूंगी। आई होप बरसात के आने से पहले ये रोड्स की डिगिंग बंद हो जाए, वरना पता है क्या होगा। एनीवेज क्या हुआ, अरे जवाब ही नहीं। टिकट प्लीज। बर्थ पे है, देती हूँ। एक्सक्यूज मी भाई साहब, टिकट प्लीज। हेलो भाई साहब, पहले आप अंदर आइए, आइए आइए, और टिकट दिखाइए। ये तुम्हारी टिकट देखना चाहते हैं। टिकट कहाँ है? टिकट मेरे पास टिकट नहीं है। एक्चुअली देखिए क्या हुआ है कि इनका प्लान जो है ना लास्ट मोमेंट पे बना, इसलिए टिकट खरीदने का टाइम नहीं था। वैसे ट्रेन काफ़ी खाली जा रही है, तो आप अब इनकी टिकट बना दीजिए, नो प्रॉब्लम है ना भाई साहब? अब कन्विंस हो गए या मैं और बोलूं? कहाँ की टिकट बनाऊं? हेलो, कहाँ तक जा रही है ये ट्रेन? क्या लास्ट स्टॉप दिल्ली? दिल्ली की टिकट बनाइए। देखिए मैं बता ही दूँ, इनके साथ एक हादसा हुआ है, बुरा वक्त है, तभी ये दिल्ली। ये
क्या बॉस, चक्कर क्या है? ड्रग शग्स लिए क्या? देखो, लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम है ना तो तुम मुझे बता सकते हो, आई डोंट माइंड, बता दो. बड़े सारे दोस्त मेरे मुझे अपने सारे प्रॉब्लम्स बताते हैं और मैं उन्हें सॉल्व कर देती हूँ. पता है, मैं ऐसी टाइप की लड़की हूँ, एग्नियार्स होती है ना, मैगजीन्स में आर्टिकल जाती है, वैसी. बात क्या है बताओ, बताओ क्या प्रॉब्लम है, बताओ बताओ, शर्माओ नहीं, बोलो ना प्रॉब्लम क्या है, बताओ यार. तुम हो मेरी प्रॉब्लम, बोलती जा रही हो, बोलती जा रही हो. तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ. मैं नहीं करना चाहता तुमसे बात. मैं नहीं जानना चाहता कि तुम भटिंडा जा रही हो या बनारस किसी हॉस्टल में रहती थी या किसी ब्रॉथल में. आई जस्ट डोंट केयर, ऑलराइट? सो जस्ट प्लीज प्लीज लीव मी अलोन, ऑलराइट? ब्रॉथल वाली बात ठीक नहीं थी. देखो, मेरा मेरा मुझे पता है, क्लियरली तुम महा अपसेट हो किसी बारे में, इसलिए तुम मुझ पर भी अपसेट हो गए और बकवास करने लगे. मगर इट्स ओके, हाँ, मुझे बुरा नहीं लग रहा है. एक्चुअली मुझे आजकल किसी बात का बुरा नहीं लग रहा है. पता है क्यों? क्योंकि मेरी शादी होने वाली है बहुत जल्दी. अच्छा सुनो, भाग कर शादी कर रही हूँ. लड़का सीख नहीं है ना, लोग मानेंगे नहीं, पर शादी के बाद कोई क्या कर सकता है? जाके पैरों में गिर जाना है उनके, माफ तो करना ही पड़ेगा. मुझे ना पहाड़ बहुत पसंद है, रियली. बचपन से ही ना मुझे शादी करने का बहुत क्रेज है. बाइक और एक तो ये हिल और माउंटेन के बीच फर्क क्या है, मुझे आज तक समझ में नहीं आई. मैं तो बस वेट कर रही थी कि कब मेरा कॉलेज खत्म हो जाए और उसकी ट्रैवल एजेंसी शुरू हो जाए. जबकि ना जूते अच्छे नहीं मिलते यहाँ, तभी तो मैं तुमसे कहा था ट्रेन से उतरने के लिए, तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती. ओह, मेरी गलती है, बेशरम. मैं तुम्हारा हेल्प कर रही थी, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो. ओके, थैंक यू कि तुमने मेरी मदद की. अब तुम मेरा पीछा छोड़ोगी प्लीज? पीछा छोड़ोगी? अच्छा, इतना आसान नहीं है. तुम्हारी वजह से मेरी ट्रेन मिस हुई है और अब तुम मुझे भटिंडा पहुंचाओगे, मेरे घर तक, और वो भी मेरे सारे सामान के साथ. जी हाँ, मैं छोड़ने वाली नहीं हूं. हाँ, कोई डाउट मत रखना दिल में, सिखड़ी हूं मैं भटिंडा की. अरे भाग रहे, अरे पकड़ो उस आदमी को. चोर चोर चोर, अरे चोर. अरे हट, चोर को पकड़ो. नालायक, वर्दी उतार के फेंक दे. बैठिए. अरे जल्दी करो.
ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य। अरे हाँ सुन ली ऊपर वाले ने, अब चलो। ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसे ट्रेन पकड़ेंगे हम? ट्रेन तो आप कैसे भी नहीं पकड़ेंगे। रतलाम अगला स्टेशन है, 100 किलोमीटर। तुम क्या जानो तुम क्या हो? He's mad. He's totally mad. बीतिया गाड़ी रोको। है? गाड़ी रोको। क्या हुआ? क्या हुआ? Oh God, थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे? अंदर चलो। है? चलो। अरे, अरे क्या, क्या क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? देखो हम सब ये सिचुएशन में इनकी वजह से, अगर कुछ भी टूटेगा पूरा डैमेज ये देंगे। तुम टेंशन मत लो, मैं दिलवा दूंगी। अगर इस गाड़ी को कुछ हो गया जान। और तुम? देखो मेरी और मदद करने की तुम बिल्कुल कोशिश मत करना प्लीज। मैं अकेला बिल्कुल ठीक हूँ। अरे मेरे पैसे यार। अरे पैसे तो मेरे। अरे रुको यार। भाग चलेगा। एक सेकंड। मैंने आपको खरीदी पैसे बारो करने, पानी लेने। और है? ट्रेन में रिटर्न करती हूँ। और है ना, पूरे है ना, पूरे पूरे। देख मैं तुझे तेरे पैसे दे रहा हूँ तो चुपचाप खड़ा रहे, समझा? पानी साथ बंद हो गई। माय गॉड, खोला छोड़ा सब अपनी जगह पर है, पर पानी का काम पानी ही करता है। कहते हैं ना बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड फ्री, पर अब वैसे पानी तो फ्री रहा नहीं। कितने का है? 14। क्यों, रेलवे के दाम तो कम होते हैं? यही रेट है मैडम। अच्छा, कंज्यूमर कोर्ट से पूछो क्या रेट है, हैं? उल्लू बनाते हो? 2 रुपए के लिए इतनी झिकझिक? 2 रुपए कुछ नहीं होते तो चोरी क्यों कर रहे हो? चोरी? और क्या, और कहते हो मैं झिकझिक कर रही हूँ? पैसे वापस दो। ये लो। कोटा अगला स्टेशन है, मैं स्टेशन मास्टर को फोन कर दूंगा, वो आपका सामान रख लेगा। और तो कुछ नहीं हो सकता। मगर मैं वहां पहुंचूंगी कैसे? शिट। तो किसने कहा था ट्रेन से उतरने के लिए, हैं? तुम्हें होशियार रहना था। अब क्या करोगी? जवानी का जोश
समझती नहीं। देखो, जिंदगी रेल की पटरी है, एक इंच का बेंड और मीलों की दूरी। तुम्हारी छोटी सी भूल तुम्हारी जिंदगी खराब कर सकती है। हाँ, मेरी भी कई ट्रेनें छूटी है, पर उन दिनों में मैं मर्द था, मतलब अभी भी मर्द हूं। लेकिन तुम एक लड़की हो, अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है। हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। मैं बताता हूँ, देखो। एक्सक्यूज मी, आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है? नहीं, ये तो मुफ्त है। गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। देखो बुड्ढे, बकवास बंद करो, अपना काम करो। कोटा फोन लगाओ, बाकी मेरी प्रॉब्लम है, मैं संभालूंगी। चलो फोन लगाओ। एक 23 सीट नंबर के यात्री का सामान। आपका पानी। चोर नहीं है हम, बहुत बुरा हुआ। क्या बात है भैया, क्या हुआ? ट्रेन छूट गई बेचारी की। अरे रे 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 रे। सुबह तक कोई भी ट्रेन नहीं है। दत तेरी की, अकेली है क्या? हाँ। अब क्या करेंगी ये? वही तो, तुम तो जानते हो ना, अकेली लड़की खुली हुई तिजोरी की जैसी होती है। सुनो, तुम नाटक मत करो, समझे? चलो फूटो यहाँ से। अरे हम कोई बम है जो फूट जाएंगे? समझने की कोशिश करो मैडम, इसके पहले कि कोई गलत फायदा उठा ले, हमने सोचा कि हम आपकी मदद कर दें। हाँ? रात में ना इन्हें यहाँ रहने मत देना, थोड़ा कष्ट होगा तुम्हें, लेकिन कहीं ले जाओ इसको। हाँ, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, समझे? चलो निकलो यहाँ से। हद होगी, शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा। बताओ, हम आपको सही जगह लेके जा रहे हैं। शट अप, चमाट मारूंगी ज्यादा बकवास किया तो। काले चमाट, कम से कम इसी बहाने छू तो लेगी। ठीक है, अगर आपकी इसी में खुशी है तो मारिए, अरमान निकाल लीजिए, मारिए ना। अरे कहाँ चली आप, तो चमाट खा के जाएंगे। सुनो भाई साहब। एक आदमी सिर्फ मैं, फुल नाइट जगह मेरी, चल। मैं वो नहीं हूं। क्या नहीं है? वही है? अरे यार, अरे तुझे पैसा चाहिए तो मैं दे रहा हूं ना, नखरे क्यों कर रही है? वो आना था लो, सुन। अरे क्यों कसरत करा रही है रात? सुन मेरी बात, पैसा बोल मैं दे रहा हूँ। अरे यार क्या नाटक कर रही है? अरे सुन, थैंक यू पापा जी, थैंक यू। ओह गॉड, पता नहीं क्या होने वाला था। फिर ट्रेन मिस कर दी? हाँ, और ये जोकर कौन है बाइक पे? हाय, आई एम गीत। आदित्य। आदित्य, प्लीज टू मीट यू। इतनी प्लीज बाय गॉड, मैं किसी से मिलकर नहीं हुई जितनी आज तुमसे मिलकर हो रही हूँ, क्योंकि वो तुम हो जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है। कहा था ना मैंने, कोई डाउट मत रखना,
छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं तुम्हें। छोड़ोगे तुम मुझे घर तक। तुम्हारी वॉलेट में पैसे देख लिया है मैंने। सुबह होने तक यहाँ किसी होटल पे रुकेंगे, फिर कोटा जाएंगे, सामान लेंगे और फिर ऑल द वे टू भटिंडा। कम ऑन, चलो। ये टफ लुक्स चलते चलते भी दे सकते हो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। रतलाम, आई मीन कम ऑन, हद हो गई है यार। क्या मतलब है इसका कि मैं रतलाम की गलियों में घूम रही हूँ? ट्रेन से देखती थी ये घर ये गलियां, जिंदगी में कमाल है ना? बहुत मजा आ रहा है ना, पिकनिक पर आए हैं हम लोग। तुम्हें उठाकर म्यूजियम में रखना चाहिए, टिकट लगनी चाहिए तुम्हें देखने के लिए। आए हाय क्या बात है, और तुम्हें क्या रखना चाहिए? ट्रेन में हो मगर पता नहीं ट्रेन कहाँ जाती है, अनजान किसी स्टेशन पे उतर जाते हो, फिर पागलों की तरह गाड़ी चलाकर ऑलमोस्ट मेरी जान लेकर यहाँ पहुंचते हो, और यहाँ क्या अंधेरे रास्ते पर चले जा रहे हो अकेले रतलाम की गलियों में। यार तुम्हारा प्रॉब्लम है क्या आखिर, बताई दो आप। सॉरी सॉरी सॉरी, तुम अपने प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं करते, राइट? बच्चन के फैन हो क्या, एंग्री यंग मैन? आज खुश तो बहुत होगे तुम, हैं? अग्निपथ अग्निपथ बताओ ना। अच्छा तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है बोलो ना, ये तो कोई सीक्रेट नहीं है यार। कहाँ आ गया हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, क्यों? चलिए प्लीज। क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हो? नो क्रेडिट ओनली कैश। क्रेडिट कार्ड टैरिफ क्या है? एक दिन का रूम का कितना पैसा लेते हो? आपको रूम घंटे के हिसाब से चाहिए? जितना पूछ रहा हूं उतना ही जवाब दो, समझे? एक दिन का रूम का कितना? दिन भर के लिए क्यों चाहिए, हमें कौन सा दिन भर रहना है? सुनो मैं बात कर रहा हूँ। हाँ बहुत कमाल बात कर रहे हो, पैसे वैसे भी कम है और हम रूम घंटे के हिसाब से लेंगे। गीत यू नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बी प्रैक्टिकल यार, इसमें शर्माने की क्या बात है, हमें कुछ ही घंटों का काम है, हम रूम पर आवर पे लेंगे। कितने घंटे के लिए चाहिए? दो घंटे काफी होंगे? अच्छा चलो सेफ साइड तीन घंटे, तीन घंटे तो मोर देन इनफ है। हाँ तीन घंटे। कहाँ मिली? ट्रेन में। ट्रेन में? ट्रेन में भी? आइडिया अच्छा है। सुन आइटम कैसा है? एकदम कड़क, ब्यूटी। थैंक्स। तीन घंटे। क्या कुसर पुसर कर रहे थे उसके साथ? तुम बहुत बड़ी कार्टून हो पता है तुम्हें? हो सकता है मगर मुझे कराटे आता है। तो बस बता रही हूं ब्राउन बेल्ट हूं मैं। अच्छा 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 अच्छा, तुम्हें कराटे आता है मतलब अगर मैंने तुम पर रेप करने की कोशिश की तो तुम मुझे कराटे कर दोगी, राइट? हो सकता है, आई मीन यस बिल्कुल। दिखने में ऐसे लगती हूँ मगर बड़े सारे लोगों को मार गिराया है मैंने। नो वरी, मैं तुम पर रेप नहीं करने वाला। तुम कर ही नहीं सकते। मैं करना चाहता ही नहीं। चाहो भी तो नहीं कर सकते हो। तुम क्या मुझे चाबी लगा रही हो कि मैं तुम पर रेप करने की कोशिश करूं? नहीं मैं बस क्लियर कर रही हूं तुम्हें कोई रॉन्ग सिग्नल ना मिले। स्टेशन पर मैंने तुम्हें हग किया और कहा किसी होटल पे चलते हैं, पता नहीं तुम क्या सोच रहे होगे, वो भी तुम्हारे जैसा आदमी। मेरे जैसा आदमी मतलब? बॉम्बे में घूमती होंगी तुम्हारे आसपास उस टाइप की गर्ल्स, मगर मैं बता देती हूँ कि मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। सोचना भी मत, पुराने ख्याल की हूँ मैं, वन मैन वुमन, और मेरा है अंशुमन,
वन एंड ओनली, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हें जानकर खुशी होगी दैट आई एम ऑल्सो वन वुमन मैन ऑल राइट। ये देखो। श्योर 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 श्योर। वाओ, मस्त है यार, बड़े लकी हो। नहीं, लकी नहीं हूं। ओ, तो ये प्रॉब्लम है, इस लड़की ने तुम्हें डंप किया है। लाइफ ने मुझे डंप किया। मतलब? ओह गॉड, द फेमस साइलेंस एंड ऑल। इतना बड़ा सीक्रेट क्या है तुम्हारा? मैंने सब कुछ बता दिया तुम्हें, तुम क्यों नहीं बोल सकते? एनीवेज, देखो देखो इस फोटो को, इस लड़की ने तुम्हें डिच किया है ना, पकड़ो, जला दो इसे। Come on, Geet, you can't be serious. Damn serious. जला दो फोटो को। ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? मेरी बात मानो, बच्चों जैसी बातें करो, जला दो इसे, तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। अरे जला दो साली को यार, ये लो, चलाओ चलाओ, नो टेंशन, चलाओ। ओके, अब बाथरूम में जाओ और हमेशा हमेशा के लिए इसे अपनी जिंदगी से फ्लश आउट कर दो। जाओ। बेटर लग रहा है? You know what? ये बेवकूफी का काम करके मुझे एक्चुअली अच्छा लग रहा है। I'm actually feeling better. You were right. देखा? और सच बताऊं मैं तुम्हें, दिखने में बुरे नहीं हो तुम, हैंडसम हो यार, अमीर भी लगते हो, इससे तो बहुत बेटर लड़की मिल जाएगी तुम्हें, ये तो तुम्हारे आगे शिप थी। थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड। बता रही हूँ मैं ना, मैं लड़कियों के नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई भी लड़की फ्लैट हो सकती है। तुम उस टाइप की होगी, देखो मेरी शादी अंशुमन से होने वाली है एंड ऑल दैट, पर अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होता तो यू नेवर नो, शायद मैं भी तुमसे पट जाती। जस्ट इमेजिन। तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना? बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूं। क्या हुआ? काश मैं भी तुम्हारी तरह हो सकता। वो तो मुश्किल है, मगर इससे बेटर लड़की मिल जाएगी, इसकी गारंटी है। तो तुम ही दिला दो कोई अच्छी वाली। अच्छा एक बात बता, मैं कैसी लगती हूँ तुम्हें? What? देखो, देखो मुझे। ये किस तरह का सवाल है? Geet, I mean, don't be stupid. Tell me no. माथा खोलो जल्दी, माथा। अरे पानी निकाल जल्दी बाहर। पूरा पैसा निकाल। ओए हेलो, क्या हुआ? भागना पड़ेगा। क्यों? पुलिस, चलो चलो, सीधा पीछे भागो, मैं पीछे का दरवाजा खोल दूंगा। अरे सुनो, प्लीज बाबा जी, अब तो हद पार हो चुकी है, अब इस रात में और कोई एक्साइटमेंट मत देना, बोरिंग बना दो जी अब इस रात को प्लीज। बस सुबह 6 बजे निकलेगी। नींद आ रही है? नहीं, तुम्हें? वो तुम मुझसे क्यों पूछ रही थी कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ या नहीं? अरे
अच्छा बताओ मैं तुम्हें कैसे लगती हूँ? मगर क्यों? ओहो क्यों का कोई जवाब नहीं होता, अच्छी लगती हूँ फटाक मस्त। अरे जल्दी बोलो। हाँ 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 जी। तुम मुझे लाइक करते हो तो मेरी सिस्टर को भी लाइक करोगे। रूप मेरी कजन बिल्कुल मेरी जैसी है। बात सुनो, मैं बहुत जल्दी भागने वाली हूँ अंशुमन के साथ। तुम और रूप भी साथ में भाग लो, तुम्हारी प्रॉब्लम भी सेम है, दार्जी मानेंगे नहीं और फिर चारों इकट्ठे रहेंगे पहाड़ों में, बड़ा मजा आएगा। व्हाट डू यू से? हम ये क्यों ना करें कि तुम और मैं भाग जाते हैं, शादी करते हैं और रहते हैं पहाड़ों में। देखो कन्वीनियंट ऑप्शन है, अगर अभी हम भटिंडा नहीं जाते तो भागी तो गए ना। देखो अगर तुम रूप के साथ शादी करते हो तो मैं तुम्हारी सारी बनती हूँ, आधी घर वाली। आधी का क्या करूंगा, मुझे तो पूरी चाहिए। मिल रही है ना रूप, पूरी की पूरी और ऊपर से मैं आधी। ओके 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 ओके, बार्गेन ऑफर है। एक के साथ आधी मुफ्त मुफ्त मुफ्त। Yeah, that makes sense, but अगर मैं तुमसे शादी करता हूँ तो भी तो ऑफर वैलिड है। मैं तुमसे अपनी बहन की रिश्ते की बात कर रही हूँ और तुम मुझे लाइन मार रहे हो। तुम हमेशा ऐसे ही बकवास करती हो या आज कोई स्पेशल ओकेजन है? नहीं मैं तो हमेशा बकवास करती हूँ, तुम? नहीं मेरा फर्स्ट टाइम है, एक्चुअली तेरे से सी मिली नहीं ना आज तक कोई। भटिंडा चल मिलवाती हूँ। ला 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 हा। हम जो चलने लगे चलने लगे हैं ये रास्ते, हा हा हा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। चलने लगे हैं ये रास्ते।
कमाल हो यार, मैंने अपनी लाइफ में किसी को इतना अच्छा गाते हुए नहीं सुना। तुम्हें तो सिंगर होना चाहिए। सब कुछ जो इंसान चाहता है मिलता कहाँ है यार? क्यों, मुझे तो लगता है कि जो कुछ भी इंसान रियल में चाहता है एक्चुअल में उसको लाइफ में वही मिलता है। यू नो, एक टाइम था जब मैं रियल में चाहता था एक्चुअल में। म्यूजिक से बड़ा पैशन नहीं था मेरी लाइफ। लाइफ खत्म हो चुकी है तुम्हारी, बात ऐसे करो जैसे मर चुके हो। खत्म तो नहीं हुई है, पर म्यूजिक अब नहीं हो सकता यार। क्यों, क्यों नहीं हो सकता है? ऐसी क्या मजबूरी है बता मुझे। ओ गॉड, ओहो मत बताओ, ठीक है, मगर फिर से एंग्री यंग मैन मत बन जाओ प्लीज। हाँ ओके। मैं ही बात शुरू करती हूँ। ऑफ कोर्स। पानी अच्छा है ना? हाँ। तुमने पहले कभी ऐसे लिख में जम किया है? गीत, आई थिंक हम लोगों को उतरना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, बहुत मजा आएगा। एक सेकंड, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तुमने कभी किसी साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट किया? ओह शट अप यार। नहीं, तुम्हें जरूरत है गीत। बकवास बंद करो और लेट्स। अच्छा इजी, रिलैक्स, जस्ट लिसन टू मी, यू नो। सोचो ऐसा काम करने का मौका शायद फिर कभी ना मिले। अरे ऐसा काम करना ही नहीं है यार, तुम्हारा पागल हो गई हो क्या? तुमने बचपन ट्राई किया है ना, बड़ा मजा आया था, अब पागलपन ट्राई। अरे गीत रिलैक्स, जस्ट अरे लिसन टू मी। मजा आया ना? You need a psychiatrist. इधर देखना मत। धर्मराज कश्यप का नाम सुना है? The industrialist? Of course, जो मर गया last year. क्यों? मैं उनका बेटा हूँ। तुम आदित्य कश्यप हो? यप, नाउ यू नो मी। यू आदि कश्यप, वो तुम्हारी माँ थी जो किसी और के साथ भाग गई थी? सॉरी। हाँ वो मेरी माँ थी जो किसी और के साथ भाग गई थी। वो यार न्यूज व्यूज में इसी तरह के लैंग्वेज में सुना था, वैसे ही निकल गया। आई एम रियली सॉरी, रियली रियली। नो गीत, मुझे सुनना होगा, तुम सॉरी क्यों कह रही हो? अगर किसी की माँ इतनी चीप हो सकती है, इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है तो मिस्टर कश्यप, आपको उनके बारे में इतनी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? उस औरत ने मेरी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिंदगी भर के लिए मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया, तो क्यों ना मैं करूं बदतमीजी से बात? क्योंकि वो प्यार में थी। प्यार? Are you serious? देखो, वो तुम्हारी माँ है, उनके बारे में ऐसी बातें समझना मुश्किल है, मगर जब कोई प्यार में होता है तो कोई सही गलत नहीं होता। किसने कहा तुमसे ये सब? हाँ किस घटिया नॉवल में पढ़ी तुमने ये सारी लाइंस? सब कहते हैं ऑल इज मैरिड लव। झूठ कहते हैं सब, इट्स ऑल बुलशिट, समझी तुम? सुनो, तुम तो बहुत ही अमीर निकले यार, मेरी बहन के साथ भाग जाओ ना, हम सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। तू ओरिजिनल पीस है, मालूम है ना तुझे, ऐसा दूसरा नहीं है। देखता हूँ। तुम मेरे साथ अंदर चलो। नहीं 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 गीत, मैं चलता हूँ। कहाँ जाओगे? I'll be okay, don't worry. नहीं, तुम मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकती, चलो। गीत रेडी, I gotta go. देखो मेरी फैमिली आ गई है, इनके सामने सीन मत क्रिएट करना। तुम कुछ देर आ रहे हो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, उसके बाद तुम चले जाना, चलो। गीत
और गीत ओ भाई ये हॉस्टल वाले हमारी भतीजी का कुछ खाने पीने को नहीं आ रहे, कितनी दुबली हो गई है, है? कैसी है? आओ जी आओ, आओ जी आओ ना, आ जाओ आ जाओ। दारजी मेरी बहन है दारजी। मुंडा कौन है जी? मेरा फ्रेंड है दारजी। किस तरह का फ्रेंड है? वैसी कोई बात नहीं है दारजी। कैसी बात नहीं, मतलब बस फ्रेंड है। तो फिर घर क्यों लाई हो? वो तो ऐसा है दारजी कि घर ये लाया है मुझे, मेरी ना ट्रेन छूट गई थी एक स्टेशन पर रात को। अगर ये नहीं होता, आपको तो पता है अकेली लड़की खुली हुई तिजोरी की तरह होती है, मैं तो जानती भी नहीं थी इसे, ट्रेन पे ही मिले थे हम लोग। फिर भी ये मेरे साथ 1000 किलोमीटर आया है बठिंडा मुझे सेफली घर पहुंचाने को। और तो कोई दोस्त ही नहीं है ना, क्योंकि मेरी उम्र में एक झलक में पता चल जाता है कि लड़के लड़की के बीच क्या हो रहा है। दारजी प्लीज, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। शर्मिंदा? अगर शर्म होती तेरे अंदर तो तू ऐसे कपड़े पहनती, ऐसे कपड़े पहनकर घर आई है, तो मुंबई में तो नंगी घूमती होगी। नाम क्या है? जी आदित्य। आदित्य क्या? आदित्य कुमार। काम क्या करते हो? जी मैं म्यूजिक का काम करता हूँ। हम तुम्हारे कर्जदार हैं पुत्र, अब तुम्हें 1 हफ्ता यहीं रहना होगा हमारे साथ, ताकि हम तेरा शुक्रिया अच्छे ढंग से अदा कर सकें। बहगुरु की मेहर हो तुझ पर। बंबई वाले कुछ खाते नहीं हो यार। अरे बस 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 प्लीज प्लीज, मेरा पेट फट जाएगा प्लीज। क्या नॉनसेंस है, कभी सुना कि इसका पेट फट गया? और क्या, इनफिनाइट इलास्टिक के बने होते हैं पेट। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। अरे जी 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 प्लीज मत चला। अरे आप लोगों ने लस्सी नहीं पिलाई? ले पंजाब आया था, किसी ने इन्हें लस्सी नहीं पिलाई? मैं लाती हूं। अरे अरे क्या कर रहे हो भाई? अंदर आ जाओ। ओए यार बहुत बड़ी गलती हो गई, तेरी बहन को बचाया, आज के बाद किसी की बहन के साथ ऐसा नहीं करूंगा। पुत्र जी तुझे चलो, मैं आपके लिए नाइट के कपड़े लेकर आता हूँ। ओ गॉड यार, अरे कैसे तो मैं मर जाऊंगा यार। अरे यार कुछ नहीं होता, आ जाओ ना। अरे तू समझता नहीं है यार, मेरा पेट फट जाएगा यार। तुम देखो गेस्ट रूम खुला है। अरे क्या हुआ? बड़ा पंगा हो गया यार। अब क्या हुआ? मैंने तुझे बताया था ना कि यहाँ पर अंशुमन के पास कोई नहीं जाता। मैं और मम्मी। गीत क्या करे? अच्छा हुआ तू आ गई। आदित्य ये है मेरी बहन रूप, रूप ये है आदित्य, तुझे इसके साथ भागकर शादी करनी है। गीत बोलने से पहले 1 सेकंड सोच तो लिया कर। और ये तू अंदर क्या कर रही थी? ओहो पजेसिव, अभी से ही जलन हो रही है क्या? घबरा मत, हम वो नहीं कर रहे थे। ये जो है ना वन वुमन मैन है, तेरे साथ फेथफुल रहेगा। रूम खुला है। तो ले जाना, यहाँ क्यों खड़ा कर रखा है, जाओ। अच्छा सुनो, तू उधर देख, सीक्रेट है। कल सुबह बहुत जल्दी उठना, घर के पीछे खेत पर एक पुराना ट्रैक्टर है, वहां मिलेंगे। क्यों? बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। वारी जावा सोनियो, आज तुम्हारा रंग तंग कितना कमाल दा है। उन्हें तू वेखिया ही नहीं है कुछ, अगे अगे तू देख मेरे रंग है एते कमाल है। तू तो वड़ी चंगी पंजाबी बोलदा है। ए भी मेरा एक रंग है। तू कितने सीखी इनी वदिया पंजाबी बोलनी? ओ जी साड़ी तेरी मॉम पंजाबी थी। अरे हाँ, तो तुम पंजाबी में क्यों नहीं बात करते हो? ऐसे करनी चाहिए, पता है तुमने मुझे चिट चैट करने के लिए सुबह 5 बजे उठाया। अरे नहीं बड़ा पंगा हो गया है। क्या हुआ? मंजीत आ रहा है। अभी साला मंजीत कौन है? मंजीत मान, ये लोग कुछ साल पहले ना पटियाला शिफ्ट कर गए थे,
दारजी और बाकी लोगों ने मेरी शादी मंजीत के साथ फिक्स करा दी है और वो लोग आज आ रहे हैं मुझे देखने। होल्ड ऑन होल्ड ऑन, तुमसे पूछा नहीं जाएगा, ऐसी शादी हो जाएगी। एक्चुअली कहानी में ट्विस्ट है। शुरू करो। ये जो मांस है ना, हमारे बड़े पुराने फैमिली फ्रेंड्स हैं। मंजीत और मैं बचपन से ही साथ रहे हैं। सब कहते थे कि जब दोनों बड़े हो जाएंगे ना तो इनकी शादी करा देंगे। मुझे बड़ा मजा आता था ये सोचकर कि मेरी शादी मंजीत से होगी। घर घर खेलने में मैं कभी रूप को मंजीत की वाइफ नहीं बने देती थी। 8 साल की उम्र में मंजीत और हम हाथ पकड़कर इस ट्रैक्टर पे खड़े होते थे कि जी उस खेत के परे हम अपना घर बनाएंगे। फिर मैं बड़ी हो गई और इस मंजीत के एपिसोड को ऐसे जोक लेने लगी। पर कल मुझे पता चला कि मेरे पेरेंट्स बड़े हुए ही नहीं, वो सीरियस हैं, सब सीरियस है और मेरी बैंड बज गई। तो अब मैं तो भाग रही हूँ। अरे यार, तू छूटते ही भागने की बात करती है, ऐसा सोचना भी मत। बहुत घटिया चीज होती है ये भाग जाना। इसमें हजार तरह के रिस्क होते हैं और प्रॉब्लम्स होते हैं। और कोई ऑप्शन नहीं है? हजार ऑप्शंस हैं यार। जैसे जैसे तू अपने पेरेंट्स को क्या नाम है वो अंशुमन के बारे में बता देना। वो नहीं मानेंगे, उल्टा इमोशनल ब्लैकमेल करके मुझे यहाँ फंसा लेंगे। बैड ऑप्शन। देख, अगर तू अपने पेरेंट्स को नहीं समझा सकती तो छोड़ दे अंशुमन। नेक्स्ट ऑप्शन, शादी मत कर किसी से भी। नेक्स्ट, मंजीत और रूप की शादी करा दे। नेक्स्ट, कोर्ट में प्रूफ कर दे कि मंजीत इंपोर्टेंट है। वो इंपोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट। तुझे कैसे पता? एक सेकंड, मंजीत इंपोर्टेंट नहीं है ये तुझे कैसे पता? पता चल जाता है कहीं तेरा और उसका। नेक्स्ट, उसने तुझे बताया कि उसने किसी के साथ? नेक्स्ट, तूने उसको देखा किसी के साथ? नेक्स्ट। उल्लू सबके साथ देखो कितना खुश हो रहा है। इन्हें क्या पता कि मैं तो भागने वाली हूँ बहुत तेज। सुन, तू ज्यादा सट मत मुझसे, ये सब गलत समझेंगे। मैं कौन सा यहाँ शादी करने वाली हूँ? अरे ये सब पहलवान जो मुझे पटक के मारेंगे वो। थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले मेरे लिए जाने मन। कुत्ता छोड़ क्या करी? ये आइडिया अच्छा है इस शादी को रोकने के लिए। दिस इज द राइट ऑप्शन। तू मुझसे दूर रह समझी। हेलो, हेलो, हाउ आर यू जी? फाइन, लॉन्ग टाइम। 3 years ऑलमोस्ट। जसप्रीत की शादी के बाद? हाँ जी। और बॉम्बे के क्या हालचाल? आप लोग भी बात कर सकते हो, कोई पनिशमेंट नहीं है। गल्ला करो भाई। आदित्य पुत्र जी। सुनो पुत्र जी, मुंडे दा स्पेयर पार्ट्स दा बिजनेस बहुत चंगा, सारा कुछ ही हो। हां भाई, इनसे मिला दूं। ये है आदित्य, संगीतकार है। सबके नाम तो याद नहीं रहेंगे। आज के मुख्य मेहमान से मिलो, मंजीत सिंह मान। हाय मंजीत, हेलो यू। आओ जी बैठो। अरे नहीं नहीं, आप ये बहुत ही अच्छे सिंगर है। अच्छा जी, इस हैप्पी ओकेजन में इसे एक गाना नहीं गाना चाहिए? हाँ जी जरूर, बिल्कुल। अरे नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही मजाक कर रही है। नहीं नहीं, मैं सीरियस हूँ। क्या मैं हंस रही हूँ? देखो। ओ भाई, लेडीज एंड जेंटलमैन, बम्बई से आया मेरा दोस्त आदित्य आप सबके सामने एक गीत पेश करने जा रहा है। अरे चाचा जी, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग शांति और साइलेंस। अरे सुनिए तो प्लीज। और देखो जी, अपनी अपनी जगह पर सेटल हो जाओ जल्दी से। अब तो गा ही दे, हम भी देखें मुंबई वालों में कितना दम है। जी। आओ जी, आ जाओ आ जाओ। शाबाश। ओ मुंडियो, कुर्सी लाओ। है आ जाओ जी, आओ जी, बैठो बैठो जी, बैठ जाओ। हाँ हो जाओ शुरू। आप लोग सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं नर्वस हो जाऊंगा। ठीक बात है भाई। ओ इधर उधर देखो भाई, इधर उधर देखो, उसकी तरफ मत देखो। मैं स्टार्ट करता हूँ, आप सब भी ज्वाइन कीजिएगा प्लीज। ओ गाली कोई नहीं, आप भी ज्वाइन कर लेंगे, हम तो पंजाबी हैं, हमें तो बांधना चाहिए। अच्छा जी, साइलेंस साइलेंस, अब सेटल हो जाओ, बैठ जाओ आप।
ते उसका रूप बना हथियार, उसके रूप से कत्ल हुए तो चर्चा शुरू हुआ। काम तो अपना फर्टिलाइजर्स का है और अब हम पेस्टिसाइड्स में भी एंटर होने जा रहे हैं। अच्छा होता है जी को तो प्लांट। एक मिनट हाँ। चल इधर लगाओ, लगा। कम ऑन, मार 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 मार। अरे सुपर। तू यहाँ है? जा, पापा तुझे बुला रहे। ओहो। अब क्या करने वाली है तू? वो आ रहा है। कौन? मंजीत। हाँ? इधर देख रहे हैं? हाँ तू पीछे हट। देखो, अरे मंजीत ये नाटक करी थी दिखाने। ओ नो मंजीत। देखो मंजीत, तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है, ये सब नाटक कर रही है। पूछो इसे, बोलो। हाँ ठीक बोल रहा है ये मंजीत, हमारे बीच कुछ ऐसा वैसा नहीं है। कसम से हम तो सिर्फ बाय द वे फ्रेंड्स हैं। बताओ ना इसे आदित्य, बॉम्बे में भी तो कुछ नहीं हुआ था हमारे बीच। नथिंग एट ऑल। हाँ चल हिम ना। पापा तो बोल रहे थे कि मुझे नहीं बुलाया। झूठ बोल रहे। चल मैं आती हूँ। लिसन ब्रदर, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मेरे और गीत के बीच में कुछ भी नहीं है। बॉम्बे में हम लोग मिले भी नहीं थे, वो तो ये सब नाटक कर रही थी यार। हो सकता है बड़े शहर वालों की तरह मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मगर आंखें हैं मेरी, देख सकता हूँ मैं। यार वो तुम्हें दिखाने के लिए ऐसा कर रही थी। क्यों? क्योंकि बताइए ऐसा क्यों दिखाना चाहेगी वो मुझे। यार ये तुम उसी से पूछ लो
तुम लोग वैसे भी एक दूसरे को बचपन से जा जाऊंगी मैं तुझे कल फोन करूंगी और प्लीज तुझे मेरी कसम किसी से कुछ मत कहना ओके पापा चाचा जी प्लान क्या है कई ऑप्शंस हैं ऑप्शंस या तो रेलवे स्टेशन जा सकते हैं या बस स्टैंड लेकिन वहां पहुंचेंगे कैसे लेट्स सी मेन रोड से ऑटो रिक्शा मिल सकती है अनबिलीवेबल मैन अरे चलो ये तुम्हारा प्लान है लेट्स सी मेन रोड से ऑटो रिक्शा मिल सकती है तुम्हें जरा भी अकल आया नहीं मुझे मालूम था कि रूप हमें देख लेगी अभी रुकी क्यों है चलो रुको उधर क्यों देख रहे हो भागो उधर नहीं इधर कम ऑन मैं वापस नहीं जाने वाली तू बहुत रायता फैला चुकी है मैं जैसा बोल रहा हूँ तू वैसा ही करेगी ऑल राइट कम ऑन पर वापस क्यों जा रहे हैं शट अप एंड राइट कम ऑन वो गए किथे बाहर रोड की तरफ भाग के गए थे और तो जाने दिया रोका नहीं तूने बस हत्या देख जा जल्दी वो बुलाए मुंडिया ने उस यहाँ पर स्टेयर कैसे ना छत पर जाने के लिए छत पर क्यों तू बताएगी या नहीं भाई जिन्या और गैराज खोला जल्दी जिप काट दिखे क्या जान गए कितने कहाँ देखा था तूने गेट के बाहर गए थे कुछ नहीं कुछ मुझे मालूम था मैंने पहचान लिया था कमीने को राज बटुआ ले आ मेरा छेती कि दोनों के बीच क्या चल रहा है पर तुम लोग तो बहुत जहीन हो ना मेरी बात सुनते ही कहाँ हो हम यहाँ कर क्या रहे हैं? देख रूप ने हमें सामने वाले गेट की तरफ भागते हुए देख लिया था ये लोग अपनी मोटरसाइकिल्स और जीप से हमें आराम से पकड़ लेते अब ये लोग बाहर जाएंगे और लोगों को बोलेंगे सब जगह ढूंढेंगे लेकिन घर में नहीं ढूंढेंगे तो अभी हम लोग यहाँ वेट करेंगे फिर सही टाइम पर पीछे वाले रास्ते से निकलकर दूसरी तरफ वाले टैक्सी स्टैंड पर पहुंच जाएंगे समझी फोटो वाली के साथ भागने की प्लानिंग भी की थी रब ने भरोसा कर कहाँ मिल रहे हो तुम्हारा बॉयफ्रेंड मनाली में वो तुम्हें लेने भटिंडा नहीं आ रहा है एक्चुअली उससे बात नहीं हो पाई है नो मैन प्लीज डोंट टेल मी कि उस साले को पता भी नहीं कि तुम अपने घर से उसके लिए भाग रही हो क्या कर रही हो गीत
क्यों खेल रही हो अपनी जिंदगी के साथ? क्योंकि मेरा फेवरेट गेम है जिंदगी। तुम्हारा क्या है? फुटबॉल, बैडमिंटन, आई नो, कार रेसिंग नहीं? यू नो, मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब इस प्रॉब्लम से कैसे निकलूंगा यार? बड़े सेल्फिश हो, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। और मैं? तुम क्या? ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा प्लान है, तुम भागकर शादी कर रही हो, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? आई मीन, लड़की भगाने का रिस्क मेरे सर पर है, लोग कत्ल करने के लिए मुझे ढूंढ रहे हैं और मुझे लड़की भी नहीं मिल रही है। क्रेक! मैंने कहा था ना रूप के साथ भाग जाओ। बहुत मजा आ रहा है, नहीं? चाचा जी गए हैं रेलवे स्टेशन, पूछने का उपाय कि पुलिस को बुलाना है। मैं पापा से बोल दूंगी। पुलिस को नहीं बताना है। तुम्हारा स्कूल है ना, तो चलो सोने। ठीक है, मैं बस स्टैंड देख के आता हूँ। ये मेरा मोबाइल ले जा। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, तुम देखना। तुम मुझे कंसोल कर रही हो गीत? मैं एक फ्लाइट पकड़ूंगा और इस सबसे बहुत दूर चला जाऊंगा। और तुम्हारा क्या होगा? जिस तरह से तुम अपनी लाइफ हैंडल कर रही होगी, तुम बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकती हो। डू रियलाइज दैट? सिर्फ हंसी खेल मजाक नहीं होती है जिंदगी की, लाइफ में सीरियस भी होना पड़ता है। तुम तो लाइफ में बहुत सीरियस थे आदित्य, क्या फायदा हुआ? बहुत बड़े प्रॉब्लम में तुम भी तो फंस गए ना। आगे क्या होने वाला है इस पर किसी का कंट्रोल तो है नहीं, तो ऐसे में मैं वही करती हूँ जो मेरा दिल कहता है। कल को मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती कि जी तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई। मेरी लाइफ जो भी होगी, मुझे पता होगा कि मेरी वजह से ऐसी है, तो आई विल बी हैप्पी। फंडा ज्यादा हो गया ना, ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, शादी करके ही मैं अंशुमन के साथ यहाँ कर इनके पैरों पे गिर जाऊंगी। डांटेंगे, ताने मारेंगे, फिर मान जाएंगे। चले, सच बताओ क्या मैं ठीक कर रही हूँ? नहीं, तुम ठीक नहीं कर रही। पर तुम्हीं ने तो कहा था जब कोई प्यार में होता है तो कुछ सही गलत नहीं होता। ऑल इज फेयर। और अगर आज मैं अपनी माँ को समझ सकता हूं तो घबराओ मत, कल तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें समझ जाएंगे।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लोग सब मिलकर मुझे पीटने वाले तो नहीं है ना? मेहरा साहब, मारना मत यार प्लीज। मानता हूं कि मैंने काम पिटने वाला ही किया है, बिना बताए चला गया। पहले से ही कंपनी की हालत इतनी खराब थी, ऊपर से मैं और मेरी तन्हाई। मैं ये भी जानता हूं कि मार्केट में मेरे बारे में कई तरह की बातें चल रही। आदित्य कश्यप अपने फादर की जगह नहीं ले सकते, कंपनी स्प्लिट होने वाली है, उसकी गर्लफ्रेंड ने किसी और से शादी कर ली है, वो शहर छोड़कर भाग गया है, वगैरह वगैरह वगैरह। झूठी अफवाहें,
जो बाय द वे सब सच है. सो हमारे शेयर प्राइसेस ऑल टाइम लो पर हैं, सारे नए ब्रांड्स फ्लॉप हो चुके हैं, ऊपर से 572 क्लेम्स. इन अदर वर्ड्स अपनी हालत बहुत खराब है बॉस, साड़ी तो बैंड बच चुकी है, इससे बुरा और कुछ हो ही नहीं सकता, अब सिर्फ अच्छा हो सकता है और होगा. इंसान जो कुछ रियली चाहता है ना एक्चुअली, उसे हमेशा वही मिलता है. और इस बार मैं रियल में चाहता हूं, एक्चुअल में, कि हर प्रॉब्लम को सामने से फेस करूं, हर इनकम्प्लीट प्लान को कंप्लीट करूं, इस कंपनी को वहां तक ले जाऊं जहां खुद डैड भी नहीं सोच सकते. मैं जानता हूं कि आप सब डैड से बहुत प्यार करते हैं, वो हैं कहीं पर, देख रहे हैं हम, तो चलिए उनको दिखा देते हैं कि बॉस ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है, ये कंपनी आपके बिना भी चल सकती है और आपके एक्सपेक्टेशन से बेटर चल सकती है. दिखा देते हैं उन्हें. व्हाट यू से? Does not want to entertain any settlement at this stage. She is here only to honor the request for this meeting. Unka khyal hai ki Mr. Aditya ne bahut hi inappropriate tarike se behave kiya hai. So now there is no further room for negotiation. Aap kitna baat karte ho yaar? I mean, bahut maza aata hoga na aise baat karne mein. Pata hai pichle kuch dino se mujhe aap jaise hi mil rahe hain. Excuse me. Ye aapke client ka claim hai, right? Main sign karne ko taiyar hu. आपका काम खत्म. टेक इट इजी, रिलैक्स, टेक अ चिल पिल मैन. सुनो, साहब का टेक केयर करो और सुनो, पूछो मोबाइल बिल कितना आता है. सर प्लीज. मिसेस खन्ना, आपने अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी कुछ किया अपने हस्बैंड अपनी फैमिली के साथ, वो आपका पर्सनल मैटर है. इस कंपनी का उससे कोई लेना देना नहीं. उसकी वजह से मैं आपसे आपकी जिंदगी भर की मेहनत नहीं छीनूंगा. आपने और मिस्टर कश्यप ने इस कंपनी को एक कमरे में शुरू किया था. 30 साल की मेहनत के बाद आपने इसे वो बनाया जो ये आज है. ये 5 चीजें ना आप किसी से मांग सकती हैं और ना ही कोई आपको दे सकता है. ये कंपनी उतनी ही आपकी है जितनी मेरी है, और मैं चाहता हूं कि इसमें आपकी वही जगह, वही पोजीशन और वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों जो आज से 5 साल पहले थी. इज दैट ओके? राघव, गेट द पेपर्स रेडी, आई वांट टू साइन इन वन आवर. श्योर. वेलकम बैक. और सर, आपका एसटीडी का बिल कितना आता है? आई डोंट वांट टू डिस्कस. रिक्वेस्ट करके आइटमाइज बिल लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यार ओके सर. मेहर? यस सर. अपनी टेलीकॉम टीम को बुलाओ, आई हैव अ न्यू प्रोडक्ट आइडिया एएसएपी. या और मुझे किसी से डर लगता है, स्टेक ओनर्स. कल सुबह स्टेक ओनर्स के साथ मीटिंग, जब उन्हें पता चलेगा दैट मॉम इज बैक, आई जस्ट वांट सी द एक्सप्रेशन ऑन देयर फेसेस, फिर मैं अपनी टर्म्स उनके सामने रखूंगा. एडी, क्या हुआ? क्या हुआ तुम बताओ, क्या हुआ यार? मनाली गए थे राइट? या वहां पे जय बाबा भोलेनाथ किया था. करेक्ट, ये बात है. कुछ तो बात है, और बात सीरियस. मुझे तो डर है कि तुम जिस तरह से जा रहे हो तुम अपनी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दोगे यार. एक दिन में इतना काम कर रहे हो जितना पहले 6 महीने मैंने किया था. तुम्हें अपनी रेपिटेशन का ख्याल है कि नहीं? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू यार? व्हाट्स रॉन्ग विथ मी? मैं कैसे भूल सकता हूँ? क्या सबसे इंपॉर्टेंट काम? एनुअल रिपोर्ट. नहीं नहीं नहीं, मैं मिलता हूँ.
फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस कॉलिंग कार्ड गीत, उन लोगों के लिए जो ज्यादा बातें करना पसंद करते। एक्सक्यूज मी सर, इंडिया में आपको कॉलिंग कार्ड का आइडिया कैसे आया? दुनिया छोटी होती जा रही है और इंडिया बड़ा होता जा रहा है। आज हम दुनिया भर से बातें करते हैं। आइडिया ये है कि लोग दिल भर कर बात करें, बिल भर कर नहीं। हम कॉल कर देते हैं, डजंट रियली मैटर। ऑल दैट मैटर्स इज दैट आवर टर्म्स आर मेट, सो प्लीज रिक्वेस्ट हिम टुमारो फॉर अ मीटिंग एनी टाइम आफ्टर लंच। बोल ना, देखता क्या है? और कितने बोल, बुलाओ से यहां पर, हमें उसे बात करनी है। चाचा जी, गीत मेरे साथ नहीं है। और जा तू, और बंद करो अपने ये ड्रामे। जी हम तो जी ट्रेन में मिले थे, एक दिन पहले हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे जी। मंजीत ने हमें सब बता दिया है, उसने अपनी आंखों से देखा तुझे, और जी रूप ने तुझे उसको भगाते हुए देखा है, फिर भी तू समझता कि हम खोजते हैं क्या? देखिए चाचा जी, मैं जानता हूं कि आपके ऊपर क्या इंप्रेशन है, लेकिन तू फोन उठा और बुला उसको यहां पर, उठा फोन। देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो ए, एक्सप्लेन तो उसी दिन हो गया था जिस दिन तूने कॉलर्स कार्ड उसके नाम पर लॉन्च किया था। गीत सारी दुनिया के सामने तूने अनाउंस किया था कि नहीं, बोल। कल बनाना है,
अंकल आप मेरी बात सुनिए। तू मेरी बात सुन पुत्र, तुम दोनों बठिंडा साथ निकले थे ये बात सबको पता है। अब तू कहता है वो तेरे साथ नहीं है, सच बता, सच बता, उसे कुछ हो गया है क्या? क्या वो इस दुनिया में नहीं है? बोल दे पुत्र, बोल दे। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 9 महीने गीत हमसे बात न करे। 9 महीने कुछ हो गया, मैं जानता हूँ। 9 घंटे नहीं रुक सकती थी वो। अंकल, अंकल गीत को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। तेरे को कैसे पता? मुझे पता है अंकल, गीत बिल्कुल चंगी है, कुछ नहीं हुआ उसे। इसका मतलब वो तेरे साथ है ना? वो तेरे साथ है ना पुत्र? हाँ, वो मेरे साथ। देखे देखे तुझे, बुला उसको यहाँ, हमें बात करनी है उससे, अभी बुला दो। वो इस वक्त बॉम्बे में नहीं है। भाई शाबाश, तूने कह दिया और हम यकीन कर ले। जी कर लीजिए अंकल, मैं गीत को घर लेकर आऊंगा। कब? 10 दिन में। ओए हम यहाँ से जाने वाले नहीं है 10 दिन में। मैं वादा करता हूँ अंकल, 10 दिन में गीत को बठिंडा लाऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। पर आजी कुछ नहीं, वक्त की बर्बादी है, बेवकूफ बना रहा हमारा। 10 दिन? जी। पूछना पड़ेगा और यू कैन रीड माई माइंड। मैं मनाली जा रहा हूं। सर, थैंक यू। अंशुमन? हाँ। हाय आदित्य, हम मिले नहीं हैं कभी, लेकिन शायद आपने मेरे बारे में सुना होगा। आदित्य कश्यप। आदित्य कश्यप? आदित्य कश्यप। वैसे मैंने भी आपके बारे में बहुत सुना है, फ्रॉम द सेम सोर्स ऑफ कोर्स। ये एक छोटा सा गिफ्ट है आपकी और आपकी फैमिली के लिए। थैंक यू, प्लीज। थैंक यू। So, actually, गीत की फैमिली थोड़ी परेशान है। उसने कहा था कि शादी करते ही आप लोग वापस भटिंडा चले जाएंगे, बट आई गेस ऐसा हुआ नहीं। कौन? क्या? नहीं, किसने कहा था शादी करते ही? गीत ने? किस गीत की बात कर रहे हैं आप? कितने गीत को जानते हो यार? मैं किसी गीत को नहीं जानता। गीत? ठीक है। तुमने उसे कैसे? अंशुमन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे गिल्टी फील मत कराइए। मैंने नहीं बोला था उससे घर से भागा, समझे ना? फिर भी वो तुमसे मिलने आई अंशुमन, अपनी सारी दुनिया अपने पीछे छोड़कर, क्यों? क्योंकि उसका दिमाग खराब है। आप जानते हैं उसे, तो ये भी जानते होंगे कि कितना बचपना भरा हुआ है उसके अंदर। सपनों की दुनिया में रहती है, समझती हमेशा वैसा ही होगा जैसा वो चाहती है। और तुमने ये साबित कर दिया कि उसके सपनों की दुनिया नहीं है, क्योंकि इसमें तुम जैसे लोग रहते हैं। देखिए सर, आप बहुत बड़े आदमी हैं, मगर ये मेरा पर्सनल मामला है, मुझे आपको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। राइट। तुमने उसके साथ जो किया है उसके बाद सफाई देने के लिए बचा ही क्या है? सब कुछ तो क्लियर है। मगर ये क्लियर नहीं है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। गीत ने तो कभी कहा नहीं कि वो आपको जानती है, फिर भी उसके पीछे इतनी दूर चले आए। सीन क्या है बॉस? मेरे और गीत के बीच क्या सीन है मैं तुम्हें जरूर बताता अंशुमन, लेकिन तुम्हारे जैसा चीप आदमी है कभी समझ नहीं पाएगा। क्या क्या कहा? चीप, घटिया, गिरा हुआ।
क्या गिरा हुआ मैं? बात तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने शादी का वादा करके उसका फायदा उठाया हो। शादी का नाम भी नहीं लिया था मैंने, भूत उस पर सवार था। शादी के बाद ये करेंगे, शादी के बाद वो करेंगे, ऐसा घर, वैसी बैल्कनी, ऐसे पर्दे। बेवकूफ। मैंने बोला उससे चली जाए वापस बठिंडा, शिमला से फोन करती थी तब भी मैं वही कहता था, मगर बात तो सुननी नहीं है उसने। तो झेलो फिर, मुझे क्या फर्क पड़ता है। गीत 9 महीने से घर पर नहीं आई अंशुमन, 9 महीने से अकेली है कहीं पर, पता नहीं किन हालात में, किस तरह के दिन देखे उसने, किस सिचुएशन में, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने उसे मना कर दिया। और अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता ना अंशुमन, तो सही हुआ उसके साथ, उसे सजा मिलनी चाहिए कि उसने तुम जैसे आदमी से इतना प्यार किया।
सरप्राइज। तुम यहाँ कैसे? ऐसे पता चला तुम यहाँ पर हो तो, so how you? Good. Yeah. Yeah. Great. और बाकी सब? बाकी सब ठीक है। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है गीत। तुम मुझे बता नहीं सकती थी, एक फोन नहीं कर सकती थी। अपना सामान लो और चलो मेरे साथ। तुम चले जाओ आदित्य। देखो गीत, मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ, मुझे और गुस्सा मत दिला। ऑलराइट, कम ऑन। नहीं आदित्य, मैंने अपने लिए जिंदगी बनाई है, इसी में रहूंगी मैं। यू नो वॉट गीत, तुम्हारी ये मनोहर कहानियां वाली फिलॉसफी है ना, इसे तुम अपने पास रखो। राइट नाउ यू कमिंग विद मी। तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो आदित्य। ऑफ कोर्स कर सकता हूं गीत। गीत, यू आर कमिंग विद मी। आदित्य छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा ना छोड़ो मुझे। गीत, लिसन टू मी, तुम मेरे साथ तुम समझते क्या हो अपने आप को? मेरे साथ ये सब हो गया इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम्हारा चांस है, समझे? समझिए, ध्यान में रखूंगा। अब चले। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें वजह बताना जरूरी नहीं है गीत, अपना सामान लो और चलो। मैं तुम्हारा अब और ऐसा नहीं ले सकती। तुमने मेरे पहले से ही बहुत कुछ किया है, जिस पर मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया। मैं अगर आज जिंदा हूं तो तुम्हारी वजह से। यू फूल, ये मैं जो यहां खड़ा हूं ये मेरी दूसरी जिंदगी है जो तुमने मुझे दी है। पता है आज मैं कितना सक्सेसफुल हूं? आज मेरी कंपनी की वो पोजीशन है जो डैड के टाइम पे भी नहीं थी। 3 नई इंडस्ट्रीज शुरू की है मैंने, पता नहीं कितने सारे ब्रांड्स लॉन्च किए हैं, सब कुछ कमाल का चल रहा है। और आज मैं जो भी कुछ हूं सिर्फ तुम्हारी वजह से। गीत, जब भी किसी सिचुएशन में होता हूं तो सोचता हूं कि गीत यहां पर होती तो क्या करती, और वही करता हूं। और तुम अब चले या और नाटक करना है? ये मेरी जिंदगी है, चले जाओ यहां से, अकेला छोड़ दो मुझे एंड ऑल दैट। आती हूं। सामान निकालो। सो तुम यहां रह जाओ, मैं दूसरा रूम ले रहा हूं। क्या जरूरत है, इतनी बड़ी जगह है। ठीक है, वैसे भी मुझे कराटे आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। घबराओ मत, मैं तुम्हारा रेप नहीं करूंगी। तुम कर ही नहीं सकते। मुझे करना ही नहीं है रेप। चाहो भी तो नहीं कर सकते। आई गॉड, क्या रात थी, वो होटल याद है? या होटल डिसेंट। डिसेंट। वैसे आपको एक बात बता दूं, उस रात होटल डिसेंट में सब आपको कॉल गर्ल समझ रहे थे। क्या कॉल गर्ल? मैं उससे भी खराब वर्ड यूज करने वाला क्या था। क्या बकवास कर रहे हो, रियली? याद है जब मैंने तुमसे कहा था कि मुझे बात करने तो, पर तुम तो तुम हो। ओ गॉड, कितनी गधी थी मैं, कितनी बड़ी बेवकूफ थी, तभी ये सब हो रहा है मेरे साथ। ऐसे हाल में क्या कर दिया है मैंने, कहां के पास गई हूं? दिन भर सोचती रहती हूं कि क्या करूं, उसको क्या कहूं कि वो मान जाए। समझ में
क्या सोच रही थी मैं। मैं बताता हूं तुमको क्या करना चाहिए। अंशुमन को अपनी जिंदगी से निकाल दो, समझी? तुम चाहे कितना भी रो, कितना भी तड़पो, वो वापस नहीं आने वाला है गीत। उसे वापस आना होता तो बहुत बहुत पहले आ गया होता। वो सोच भी नहीं रहा है तुम्हारे बारे में गीत। वो खुश है अपनी जिंदगी में। तुम मिले थे उसे? हाँ। क्या कह रहा था? गीत, अंशुमन का चैप्टर खत्म हो चुका है, यही सच है। और इसे तुम जितना जल्दी मान लो उतना अच्छा है। जिस तरह से उसने तुमको अपनी जिंदगी से निकाल दिया, जस्ट थ्रो हिम आउट ऑफ योर लाइफ मैन। जस्ट फोटोग्राफ, उसका फोटोग्राफ जलाओ एंड फ्लश हिम आउट ऑफ योर लाइफ। निकालो फोटोग्राफ। उसकी फोटो नहीं है। शिट। ओके, हम उसको फोन करेंगे और तुम उसको गालियां दोगी। इवन बेटर, जितनी गालियां आती हैं सब दे दो साले को। अरे प्लीज, बच्चों जैसी बात है। ग्रेट, बच्चों जैसी बात करो, गालियां दो साले को, निकाल दो अपनी भड़ास, यू विल फील फैंटास्टिक। आदित्य सुनो, आदित्य रिंग हो रहा है, तैयार हो जाओ। जितनी भी गालियां आती हैं गंदी वाली बोल, राइट? प्लीज। हेलो अंशुमन, एक सेकेंड। हेलो। हाँ, हेलो अंशुमन। गीत। हाँ। गाली, गाली। और ये आदित्य कश्यप की आवाज थी? हाँ। हेलो, कम ऑन अंशुमन, मैं कहना चाहती थी कि बोलो गीत। सोचो मत, जस्ट से इट। हेलो, कुत्ते? यस। क्या कुत्ते? उल्लू के पट्टे। हेलो गीत, यू बास्टर्ड, साले सुअर की औलाद, तुझे क्या लगा तू मुझे छोड़ देगा? तो मैं जिंदगी भर तड़पती रहूंगी। तड़पेगा तू कमीने, कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर, कुत्ते की मौत मरेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जाएगा तेरी मां की। बेटा लग रहा है? हाँ तो ठीक है ना यार, हो जाता है कभी कभी, आगे से नहीं होगा। टेंशन की कोई बात ही नहीं है। मुझे बहुत भूख लग रही है, खाने के लिए क्या है? मैं देखता हूँ। और कल तू मुझे शिमला घुमाएगी, समझी? ओए एम्ब्रेस मत हो यार, क्यों आए थे? कुछ भी तो नहीं। आजा आजा, रोटी शोटी खाते हैं, कल खासी मेहनत करनी है हमें। आजा। ओए ए की ऑर्डर किता? ए कोई खाण दी चीज है? ओ यार कुछ पनीर शनीर दे टिक्के ऑर्डर करती, कुछ छोले ते भटूरे ऑर्डर करती, दिमाग खराब है। We'll be right back.
कमाओ लेट्स गो इनमें से जल्दी करो गीत जल्दी गीत अपना हाथ पकड़ो पता है मुझे डरावने सपने आते हैं कई महीनों से कि मैं ना ट्रेन के पीछे भाग रही हूँ और ट्रेन छूट गई आप पकड़ ली ना हाँ। चल चल मैं तुझे बहुत अच्छी लगती हूँ ना बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगती मगर वो मेरा प्रॉब्लम है ओ यार ऐसी जो चाहे फील कर सकते हैं यार करेक्ट तुझे बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं ओके ओके हुआ गीत कुछ देर में हम भटिंडा के लिए निकलेंगे नहीं हाँ मैं उन्हें फेस कैसे करूंगी फेस क्या करना है अपने घर वापस जाना है यार कम ऑन तुमसे बात कर सकता हूं क्या बात है दो मिनट अब बात करने का कोई मतलब नहीं है प्लीज गीत कहीं चलते हैं मुझे तुमसे बात नहीं करनी है मैंने गलती कर दी ओके हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर मैं तुझे घर ले जाऊं नौ महीने से एक्टिंग कर रहा हूं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं प्रैक्टिकल हूं जो कुछ भी किया ठीक किया मगर सच्चाई तो यह है कि उस दिन तू अचानक चली आई और मैं संभाल नहीं पाया डर गया था मैं मम्मी पापा सोसाइटी रिलीजन मगर आज सबकी ऐसे की तैसी अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एक दिन बीच सड़क पे छोड़ दो और फिर नौ महीने बाद वापस आकर कहो कि गलती हो गई कितना आसान है ना नहीं बहुत मुश्किल है और ये मुश्किल अब मैं आसान करूंगा बहुत सह लिया तूने अब सारी प्रॉब्लम्स मेरी भटिंडा चलते हैं मम्मी पापा से मैं बात करूंगा मैं उन्हें समझाऊंगा सब कुछ फिट कर दूंगा गीत सब ठीक हो जाएगा अब क्यों आना था इसको अब तो सब ठीक हो रहा था बहुत देर हो गई है अब कुछ नहीं हो सकता बहुत देर हो चुकी है पता है गीत मेरे डैड और मॉम एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे दोनों किसी और से प्यार करते थे और इसी वजह से मैं जिंदगी भर तकलीफ में रहा काम पे बहुत अच्छे थे एक दूसरे के साथ लेकिन घर पे मैं हमेशा पूछता था अपने आप से क्यों इन लोगों ने शादी की उनको अपने दिल की बात सुननी चाहिए थी गीत फिर एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाता सिर्फ अपने दिल की बात सुनो गीत फिर सब ठीक हो जाएगा मतलब जब कई साल बीत जाएंगे ना गीत तो ये नौ महीने किसी को याद भी नहीं रहेंगे रियली आदित्य मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम उसके साइड लोगे मैं तुम्हारी साइड भी तो ले रहा हूं ना गीत तुम और अंशुमन एक ही साइड पे तो इट्स सिंपल गीत जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं उन्हीं को साथ में रहना चाहिए तभी सब खुश रहेंगे और तुम शादी के बाद अपना पहला अफेयर तुम मेरे साथ कर लेना
तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। पक्का, डन डन। नहीं आदित्य, ये सही नहीं है। आई विश ये सही नहीं होता, मगर कम ऑन। आज तू उसको ला रहा है, गीत को ला रहा है, कितने बजे? अच्छा शाम को, ठीक है पुत्र, ठीक है, हम इंतजार करेंगे। ओके क्या रहा है यार, लड़की 9 महीने बाद घर आ रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि तुम्हारी गीत को यहाँ लेकर आएगा, पर मुझे गलत साबित करके और दिल जीत लेता है तो बल्ले बल्ले कर। शुक्र है मेरी थी अपने घर आई। आलो जी, क्यों जीजा जी, राज छुप नहीं पाया आखिर? अब उसके चेहरे से नजर भी नहीं हटती। अभी रुको, ये लो, अब खुश नजर ना लग जाए। सच में ये तो जी मेड फॉर ईच अदर है। ले शनु, सुनो मां, आज ओ मुंडियो देखो, ओ गब्बी च कोई कल्ला बैठा है। आ जाओ जी, वेलकम जी वेलकम, शर्माई दा थोड़ी पंजाबियों दे कारो। ओ फ्रेंड है आपके? ये लो ताई जी, ले मिठाई, सारी ना खाया, थोड़ी सी छोड़ दे। ले बेटी तू भी खा। माँ खा ले, झूठा खाने से ना प्यार बढ़ता है। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कंट्रोल रखो जीजा जी। हाय हाय, मैं मर जावां। स्माइल है। चुप कर शैतान, परेशान मत कर, चल पुत्र अंदर चल। एक मिनट, चल चल चल, ऐसे नहीं, गए थे हाथ पकड़ कर, हाथ पकड़ के ही अंदर आना होगा। क्यों जी, आज बड़ी शर्म आ रही है। हमसे कुछ बात करनी है। पुत्र दार जी को मिलने जा प्लीज, अभी तर वो इंतजार कर रहे हैं, अभी बहुत लोगों से मिल रहे हैं, बड़ी लंबी लाइन है, जा ले जाना है। आ जाओ जीजा जी। सत श्री अकाल दार जी। एक मिनट
पहली बार जो उसे देखा था मैं समझ गया था, मेरी उम्र में एक ही झलक में पता चल जाता है कि लड़का लड़की के बीच क्या चल रहा है। मैंने तुम्हें पूछा था, तुमने झूठ बोला और तेरा ही आइडिया होगा भाग जाने का, है ना? है कि नहीं? देखा, मुझे पता था शरारती ये है दोनों में। बहरहाल गलती की एक बार माफी होती है, तुमने अपनी गलती कर ली, माफी भी मिल गई, अब आगे कोई भी झटका नहीं आना चाहिए, समझे? पुत्र ध्यान से, खानदान की नंबर वन शैतान है ये, हम लोगों को बहुत तंग किया, तुम्हें भी नहीं बख्शेगी। तुम इमीडिएटली बात करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मम्मी कहाँ है? हेलो, लिसन, ये साला हो क्या रहा है? हाँ, सब सेटल हो जाएगा, तुम जाके मम्मी से बात करो इमीडिएटली। तुम भी चलो ना। एक मिनट, तुम दोनों भागे थे ये मतलब? Actually, हाथ पकड़ के कब भागे थे? इन लोगों को गलत फहमी हुई है, एक्चुअली हुआ ऐसा था कि अमृत मेरी बात ऊपर ले जाओ गेस्ट रूम में, जा पुत्र जा, फ्रेश हो जा। आजो आजो, बठिंडा पहली बार आए हो? हाँ गीतू पुत्र, बता। देखो मम्मी, अच्छा पुत्र पहले ये बता तू कैसी है? हाँ, 9 महीने बीत गए, तू ठीक तो है ना? मेरी चिंता मत करो मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आदित्य तुझे ठीक तो रखता है ना? हाँ आदित्य, क्या हाँ वो तेरे साथ ठीक नहीं है क्या? वो मेरा इतना ख्याल रखता है मम्मी जितना आपने भी नहीं रखा होगा। अच्छा पुत्र, ख्याल अपना झुकती चल रही है माँ बेटी में। आप बताओ मुझे धोखा क्यों दिया? भागने वाले थे मेरे साथ और भगा लिया मेरी बहन को। गलत बात है, आपने इसके साथ ऐसा क्यों किया जीजा जी? ऐसी क्या कमी थी मुझ में? बोलो, है कोई जवाब? ओ जी, हुआ ऐसे था कि कैसा जी, वो अंधेरे में धोखा हो गया। अच्छा जी, मुझे लगा था तू है, सुबह पता चला ये तो तेरी बहन है। अच्छा ये बताओ, ये नमूना कौन है जिसको अपने साथ लाए हो? कौन? वही आपका दोस्त। मेरा कॉन्सोलेशन प्राइज है क्या आपके बदले में? एक मिनट, मुझे थोड़ी सी जगह मिलेगी? चलिए कुड़िया, पा जाओ, गल करन दो। शाबाश, अच्छी बात करी। अंदर चलो, हम एक शादी की रस्म करना चाहते हैं गुरुद्वारे में। कानूनी तौर पे तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, ये सिर्फ हमारी तसल्ली के लिए। अरे उसकी तरफ मत देखो, तुम बताओ तुम्हें कोई इतराज है तो नहीं करनी? जी एक बार आप लोग गीत से बात कर लेते तो अच्छा होता। ओ नहीं, आपको तो कोई इतराज नहीं ना? जी आप एक बार गीत से बात कर लीजिए। चलो वेरी गुड, हो गया गीत से। तुम बेटा तुम्हें अपने सब लोगों को बुलाना है। ओ हां जी आएंगे सब लोग, इनके तो शरीक होंगे ही आएंगे ना जी। वेरी गुड जी, जिंदगी जल्दी आनंद कर रहे हैं, चंगा ही। ये तो हाइट्स है, हद ही पार हो गई। सॉलिड कंफ्यूजन हो गया यार, किसी के दिमाग में नहीं आया कि ऐसा कुछ होगा। बट यू डोंट वरी, हां गीत मम्मी से बात करने गई। अरे उसे आते ही बोल देना चाहिए था। नॉनसेंस, सारे रस्म रिवाज तुम्हारे साथ हो रहे और मुझे यहाँ जबरदस्ती नहलाया जा रहा है। इनफ, कहाँ है गीत? मैं उससे अभी बात करूंगा। अरे एक सेकंड यार, देखो इस वक्त तो बहुत सारे लोगों से घिरी हुई, मैं उससे अलग ले जाकर बात करूंगा। अंशुमन यहाँ पर सब समझते हैं कि तुम मेरे दोस्त हो, अगर तुम उसे अलग ले जाओगे तो सबको थोड़ा ऑड लगेगा। अरे उन्हें ऑड लगेगा तो लगने दो ऑड, सच तो वही है ना कि मैं और वो कपल है और वही तो उन्हें बताना है। हाँ लेकिन उसको हैंडल करने दो यार, देखो सही तरह समझाना बहुत जरूरी है, नहीं तो फैमिली की बेइज्जती हो सकती है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं।
वाले लौंडे मुझे जबरदस्ती गन्ने के खेत दिखलाने ले जाना चाहते हैं। क्यों देखूं मैं गन्ने के खेत में? क्या खास बात है गन्ने के खेत में? नहीं देखना मुझे गन्ने के खेत। मत देखो यार, बिल्कुल मना कर दो तुम लोगों को, मत देखो। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, डोंट वरी। गल दसा, तेरा वाला मेरे वाले से बेटर है। लकी। अच्छा हुन दस, की गल है? देखो मम्मी, ये जो तुम लोग मैं जो बात करना चाहती हूँ, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सब अच्छा है। लेकिन जहाँ यहाँ जो सब मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। हाँ हाँ पुत्र, तू बहुत थक गई है ना, थोड़ी देर आराम कर ले, सो जा। तारीख यानी कि आज तो दो दिन बाद गुरुद्वारे ने आनंद कारज की रसम पक्की कर दी है। मम्मी से आसानी से बोल सकती थी, पापा को भी चांस भी मिला था, एक अजीब सा डर लग रहा था, बेचैनी सी, जैसे कि कुछ गलत हो रहा है, जैसे कोई ट्रेन छूट रही है। इधर 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 दिखा, क्या हुआ? ये क्या है? क्या ये इधर ऐसा, ये तेरा टेंशन वाला चेहरा है ना, तुझे बिल्कुल सूट नहीं करता, बहुत बुरी लगती है। तो तेरा वो वाला चेहरा ऐसा देखा, करेक्ट, ऐसे ठाए लगती है तो बिल्कुल ऐसी रात है, अच्छी लगेगी तो अच्छा अच्छा होगा तेरे साथ, समझी? तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो गए हो। गीत सुन, अंजुमन से बात कर ले, थोड़ा परेशान। मैं अंदर आ रही हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ एक मिनट बात करने दे। सॉरी, दादी जी ने कहा है ना, अनंत कारज के पहले नो रात को साथ साथ। किसी ने तुम सब का नाम ठीक ही रखा है, साली। तुमने मेरा दिल तोड़ा है जीजा जी, पूरी जिंदगी का पंगा लिया है मुझसे। चलिए ये भी है यहाँ पर की? तो इसके सामने चुप कर। प्रिंसिपल बाबा। चीटिंग चीटिंग। बाय बाय जीजा जी, हैव अ गुड नाइट अपने फ्रेंड के साथ। गुड नाइट। क्या हुआ? गीत तुमसे मिलने आई थी, कह कर गई है सुबह मिलेगी। क्या? Thank you.
I'll see you, man. Hi. Hi. सुबह सुबह रेडी? बस थोड़ी देर में निकल जाऊंगा. तुम जा रहे हो? जाना है. ये लोग तुम्हें जाने नहीं देंगे. इस बार मैं नहीं रुकूंगा गीत. He's waiting for you. Bye. Geet. Geet. Okay, Geet. No tension, no problem. तूने अभी तक नहीं बताया, कोई बात नहीं. अब बता देंगे. मैं बोलता हूँ कैसे. देख, किसी एक को पकड़ जो पहले मिले, मम्मी पापा चाचा, और बोल हाँ मैं शादी करूंगी, आदित्य से नहीं अंशुमन से. सारा कार्यक्रम वैसे का वैसा ही चलेगा, सारा तामझाम वही, सब लोग उतने ही खुश रहो जितने हो. बस आदित्य को हटा के अंशुमन को ले आ. तू जैसे ये कहेगी वो तुझे 500 बेहतर सवाल पूछेंगे, अरे ये वो कैसे, तो तू जवाब दे कि हम कैसे मिले थे, कैसे मैं अपने दोस्त के साथ तेरे हॉस्टल तुझे मिलने आता था, फिर हम कैसे अकेले थे. अजीब सा डर लग रहा था, बेचैनी सी, जैसे कुछ गलत हो रहा है, जैसे कोई ट्रेन छूट रही है. अंशुमन आ रहा है क्या? हाँ. इधर देख रहा है? हाँ देख रहा है. दादी! दादी! तुम्हारा एक एहसान रहेगा मुझ पर, सिर्फ एक, कि तुम अंशुमन को वापस ले आए, वरना मैं कभी समझ नहीं पाती कि मैं क्या चाहती हूं. अब मैं अपने दिल की बात सुनने वाली हूं आदित्य, फिर सब ठीक हो जाएगा. Wow.
प्यार हवा दे विच बिखर गया जग सारा निखर गया हुण प्यार हवा दे विच बिखर गया हुण जग सारा निखर गया हुण प्यार हवा दे विच बिखर गया जग सारा निखर गया हुण प्यार हवा दे विच बिखर गया दिल तर हो जाए अपना जुए जाए मार उड़ा दे खुशी कर गया हुण मोचा ही मोचा शाम सवेरे हुण मोचा ही मोचा याद मेरे हुण मोचा ही मोचा रात बने हुण मोचा ही मोचा मोचा ही मोचा शाम सवेरे हुण मोचा ही मोचा याद मेरे हुण मोचा ही मोचा रात बने हुण मोचा ही मोचा बच्चों तुम्हारे माँ बाप बड़े शैतान हैं इन्होंने बार बार झूठ बोला मगर मैंने पहली नज़र में पकड़ लिया था है कि नहीं जी दादी देखा वही सच निकला कि नहीं जी दादी अरे बच्चों हमारी उम्र में वक्त नहीं लगता एक झलक काफ़ी होती है ये पहचानने के लिए लड़के और लड़की के बीच क्या चल रहा है जी दादी उमाही मेरा सोने वर्गा उमाही तेन चुम चुम रखना उमाही मेरा दिल मेनू कहीं जाए दिल मेनू कहीं जाए रज गए तकना उमाही मेरा सोने वर्गा उमाही तेन चुम चुम रखना उमाही मेरा दिल मेनू कहीं जाए दिल मेनू कहीं जाए रज गए तकना कोल बिठा के उमाही तेरी तेज सजा के उमाही तेरे संग मेरी गल हो हर एक पर हो दिल पे कर हो बिगड़ के हुण जग सारा निखर गया हुण प्यार हवा दे विच बिखर गया जग सारा बिखर गया हुण प्यार हवा दे विच बिखर गया